भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। क्योंकि जिसके विचार पवित्र होंगे उसका चरित्र पवित्र होगा, और जिसका चरित्र पवित्र होगा उसका स्वभाव पवित्र होगा, और जिसका स्वभाव पवित्र है उसका जीवन बिल्कुल महाराज एक सुभाषित पुष्प की तरह खिलेगा। वो खुद तो महकेगा लेकिन दूसरों को भी जहां बैठेगा वहां महकाएगा, अपना सुगंध महकाएगा। विवेकशील हो हमारी बुद्धि, विवेक कॉलेज में नहीं मिलता, अध्यात्म से प्राप्त किया जाता है। आपकी बुद्धि क्या निर्णय कर रही है आपको पता तो होना चाहिए। एक आदमी है, अब लोग कहते हैं क्या ये सत्संग वाले अच्छे कर्म करो अच्छे कर्म करो, क्योंकि बहुत से होते हैं तत्व को तो जानते नहीं है लेकिन हमसे ही बोल देते हैं, हमारी तो सब कथा सुनी सुनाई, हम क्या सुने, अच्छे कर्म करते रहो बस यही कथा है। लेकिन आप कैसे निर्णय करेंगे अच्छा कर्म क्या है? एक चोर लुटेरे के लिए उसको लूटना लोगों को वही अच्छा कर्म मानता है, उसी को वो श्रेष्ठ कर्म मान के बैठा है। ये टेररिस्ट है, ये लोगों को उत्पाद उपद्रव मचाना लोगों को परेशान करना ये उसी को अपना श्रेष्ठ कर्म मान के चल रहे हैं। आप कैसे निर्णय करेंगे? यदि आप अपनी बुद्धि से सोचेंगे तो आप हमेशा गलत निर्णय लेंगे, लेकिन जब आप अध्यात्म से निकल कर सोचेंगे तो आप सकारात्मकता निर्णय लेंगे जो खुद के लिए भी अच्छा होगा और समाज के लिए। वो शिक्षा अत्यंत आवश्यक है जो हमारा कल्याण करे साथ में समाज का भी कल्याण करे। केवल मेरा कल्याण करे समाज जाए, जब समाज ही हमारा सुरक्षित नहीं तो आप कहां से सुरक्षित हैं? इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा साक्षरा अपरा विपरीत राक्षसः। आप साक्षर, जो साक्षर माने लिटरेट, जो थोड़ा उसको लिखना आता हो अच्छा लिख लेता हो और समझ लेता हो उसे साक्षर कहते हैं। लेकिन साक्षर का उल्टा करिए आप क्या बनता है? राक्षस। यदि आपने अपनी शिक्षा का गलत प्रयोग किया, यही शिक्षा आपको एक उत्कृष्ट जीवन दे सकती है, और यही शिक्षा यदि आपने गलत दुरुपयोग करा तो आपको राक्षस बना सकती है। हम इन सब कथाओं से सीखें